हेलो फ्रेंड्स, मेरे गिरी लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है मेरी, ये सीढ़ियों पर है। हमें सीढ़ियों पे प्लांट और प्लांट कैसे लगाने हैं, अगर अंधेरा है तो कौन से लगाने हैं, उजाला है तो कौन से लगाने हैं, बस उसी पे है, उसी पे आज मैं ये वीडियो शो करूँगी आप। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहे बाद में लाइक हो और शेयर चाहे बाद में कर दीजिए जब आपको अच्छी लगेगी। चलिए शो करते हैं। ये सीढ़ी है मेरी, और सीढ़ी के बगल में मेरे ये यहाँ कॉर्नर है। यहाँ मैंने ये क्रोटोन का रखा है, ये बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे आसानी से ये रखा गया, और यहाँ चलने के लिए भी है जगह, आने जाने के लिए। और यहाँ मैंने एक इसी के बगल में थोड़ा ये एलोकेशिया है, छोटा सा प्लांट लगा दिया है, और ये भी ग्रीन रहता है, बड़ा सुंदर रहता है, और ये बिना धूप के भी चल जाता है इजीली। और ये मैंने प्लांट कुछ सीढ़ी के बगल में जस्ट रखे हुए, ये फूलों के हैं, ये अभी कल रिपोर्टिंग की थी, और मैं दो दिन इनको छाया में रखती हूँ और फिर इनको धीरे धीरे धूप में रखूँगी। और बंदर की वजह से भी यहाँ रखे हुए, क्योंकि यहाँ पे बंदर खूब आते हैं और पेड़ जो है निकाल के ले जाते हैं, गमले तोड़ देते हैं, और उनकी वजह से ही ये मैंने सब प्लास्टिक के गमले खरीदना शुरू करा। तब जाके मेरे टीके जितने मेरे उसके सीमेंट के थे और ये मिट्टी के थे, सारे उन्होंने तोड़ दिए लगभग, और फूल भी निकाल के ले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हार नहीं माननी, हमें अपना काम करना है। चलिए अब ये मैं आपको शेयर करती हूँ। ये मेरी सीढ़ी है, इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं मेरी, ये जो फर्स्ट है, ये पिलर बड़े हैं मेरे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी गमला नहीं रखा। हालांकि मैं रख सकती हूँ, चौड़ी है ये, लेकिन मैंने फिर भी नहीं रखा। ये छोटे पिलर हैं, स्टील की सीढ़ियाँ हैं मेरी, और ये देखना, ये मैंने छोटा सा ये वाला गमला रखा है, और यहाँ पे निकलने के लिए भी जगह काफ़ी है। स्नेक प्लांट है ये, बिना धूप के भी छाया में चल जाता है बड़े आराम से, और बस इसको थोड़ा सा ब्राइट लाइट चाहिए, और बस इसे कुछ भी नहीं, और हल्का हल्का इसमें बहुत पानी भी, इसमें जब ये अगर छाया में रखे हैं तो इन्हें कम से कम 3-4 दिन में मैं पानी देती हूँ, उससे पहले नहीं देती। और ये इतना स्पेस हमारे पास है, सीढ़ी में हम आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। और यहाँ हमारा ये होया प्लांट है, ये कितना सुंदर लीव्स है, ये भी बिना धूप के चल जाता है, देख कितना प्यारा है। और ये हमने जो गमला सजाया है स्टेप्स है, ये उससे टेप्स है, तो कितना प्यारा लग रहा है, अब देखो। और ये हमने यहाँ पे ये जगह है तो इसको ऐसे सटा के रखा हुआ है, और कितना प्यारा लग रहा है, इसके हिसाब से ये बिल्कुल सेट है यहाँ के हिसाब से। और ये इधर भी जगह है यहाँ पे, क्योंकि जब पिलर होते हैं तो वहाँ पे छोटा गमला रखना है, यहाँ पिलर नहीं है हमारा, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा बड़ा गमला भी रख सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो एक साइड में ही रख सकते हैं, और ये वाली साइड खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से दोनों साइड में रखे हुए, ये देखो इस साइड में कम रखे हुए हैं और इस साइड में मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि एक साइड हमें चलने के लिए चाहिए। वैसे तो मेरी सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं, अगर आपकी छोटी है तो आप एक ही साइड में रखिए। और ये मेरा एग्लोनियम, ये देखो कितना सुंदर प्लांट है, पिंक वाला है, और इसमें ये भी बिना धूप के चल जाता है, बस इसे भी थोड़ा सा लाइट चाहिए। और ये छोटा कोई कटिंग लगा रखा है सो प्लांट का, ये भी इसमें चल गया है, और ये भी देखो कितना सुंदर लग रहा है सजा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, एक बार दिखाती हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है गमला भी और प्लांट भी। अब इधर आ जाइए, इधर दिखाती हूँ, ये मैं शो कर चुकी हूँ आपको, अरे रियो प्लांट है ये, इसमें छोटे गमले में है, ये देखिए। और इसे छोटा गमला यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पाइप है छोटा, तो इसलिए ये छोटा गमला यहाँ पे सेट है। ये देखो ये जगह काफ़ी है हमारे निकलने के लिए। और यहाँ पे ये बड़ा गमला रखा है कलर वाला, ये देखो, तो यहाँ जगह हमारे काफ़ी है, यहाँ कोई जो है पाइप नहीं है, और तो इसलिए यहाँ पे ये बड़ा रखा है, यहाँ भी काफ़ी जगह है निकलने के लिए। अरे ये देखो साइक्लोमैन है, ये इसका प्लांट का नाम, ये साइक्लोमैन है, और इस पर देखो पत्तियाँ इतनी सुंदर है ना, बहुत ही खूबसूरत है इसकी। और ये जी इसमें फूल भी आता है, ये देखो अभी ये फूल बनेंगे तब शेयर करूँगी आपको, इसकी बर्ड्स आ गई और इस पर फूल भी आएंगे तो तब और भी प्यारे लगेंगे, अगर फूल नहीं भी आते तो तब भी कितना प्यारा प्लांट है। ये मेरा क्रोटोन है, ये देखो इसकी भी लिप्स कितनी सुंदर है, और ये भी मैंने जो डेकोरेट किया है वही गमला है, इतना प्यारा लग रहा है।
और यहाँ पे भी देखो ये क्लेंच है, इसको अभी नहीं किया जा सकता, इसको बाद में करूँगी। और ये कितना सुंदर प्यारा कलर है इसका, ये मजेंटा कलर है। अब इस पर सारे विंटर ये खिलता रहेगा। इसको थोड़ी सी भी हल्की सी धूप दे दो, अगर नहीं भी है इसको ब्राइट लाइट है तो उसमें भी चल जाता, लेकिन ये पानी तो बिल्कुल ना के बराबर लेता है, क्योंकि इसमें पहले से इतना स्टोर रहता है पानी कि ना के बराबर लेता बहुत। अगर इसकी जब सूख जाती है स्वयं, तभी हम इसको पानी देते। और एक मैंने इधर पर छोटा सा ये स्पाइडर प्लांट लगाया, ये भी बिना उसके धूप के और बिना पानी के भी ये चल जाता है बड़े आराम से। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इधर अब इधर आ जाते हैं, ये देखो ये हमारा ये कितना सुंदर ये फ्लावर प्लांट है। यहाँ थोड़ा सा धूप आ जाती है तो यहाँ ये प्यारे लगते हैं। ये आजकल ये विंटर में कितने सुंदर सुंदर ये फूल आ गए हैं, फूल वाले प्लांट आ गए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। छोटा सा गमला है प्यारा सा, इसको तो डेकोरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतना खूबसूरत है। ये देखिए और अब आगे आ जाते हैं, ये देखिए ये मेरे मटके की तरह है। ये देखिए कितना प्यारा है, इसको भी मैंने डेकोरेट किया है और कितना कम पैसों में डेकोरेशन हो जाती है इसकी, और कितना प्यारा लगता है देखो। और इसकी ये जल्दी से अगर ये यहाँ मिट्टी है तब तो ये ऊपर उठ जाएगा, अगर मिट्टी यहाँ से साफ कर देती है तब लगाना है, ठीक है। ये प्रेमिला का है, ये जो प्राइम रोज होता है वही प्लांट है, तो इसको भी यहाँ धूप आ जाती है मेरे आधा घंटा, तो इसी वजह से ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए मटका सा बहुत सुंदर लगता है। अगर हमारे ये बाई चांस, वैसे तो 5-6 महीने 1-1 साल तक चलते हैं, और मेरे तो कांच के उसमें तो ये कम से कम मेरे 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसमें। किचन में जो मैंने कांच का वो लगवाया अलमारी, उसमें लगाए हुए किनारे पर, तो 5 साल से उसी का ये बचा हुआ पड़ा था मेरे पास। ये देखो कितना कम बजट में और कितनी सुंदर डेकोरेशन हो गई। और ये मेरा कलांच है, कलांच के तो फूल भी कितने प्यारे लगते हैं। ये देखो आराम से दिखाती हूँ बैठ के जरा, ये देखो ये भी मैंने सजा रखा है, और कितने प्यारे येलो कलर के, और लीव्स कितनी थिक और कितनी सुंदर लगते हैं। ये भी हल्की सी धूप अगर इसे आती है, या ब्राइट लाइट में भी रख दो, या अगर लाइट नहीं आती तो कभी कभी हम इसको क्या करते हैं इसमें धूप, इसको हल्की सी सुबह मॉर्निंग की, यहाँ तो मेरे तो आती है, अगर आपके नहीं आती तो आप इसको थोड़ा मॉर्निंग की धूप में रख दो और फिर वापस वहीं रख दो। तो ये देखो कितना प्यारा है। और ये मेरा बिंगा का प्लांट है, ये देखो इधर मेरी ये जगह क्या है, ये काफ़ी जगह है, ये मेरी सीढ़ी होगा, ये सेंटर है बीच, ये देखो मैं दिखाती हूँ अच्छे से, यहाँ पे ये मेरी सीढ़ियाँ ख़त्म है और यहाँ पे ये मेरा सेंटर है, फिर हम इधर सीढ़ी आई है, और फिर इधर भी बड़ा सा है मेरे पास जगह है, अगर हम चाहें तो यहाँ पाम भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने फ्लावर प्लांट इसलिए रखे क्योंकि यहाँ आधा घंटा धूप पड़ती है, इसलिए मैंने रखे हुए। और ये बिंगा का है, रानी कलर का, कितने सारे फ्लावर हैं इसमें, कितना प्यारा लग रहा है। ये कम धूप में भी चल जाता है, ये हाइब्रिड वाला कम धूप में भी चल जाता है और पानी भी कम ही मांगता है। और ये जो देसी वाले होते हैं उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए और उनको धूप भी ज़्यादा चाहिए। और ये देखो मेरा ये जावा है, इस पर फूल बहुत ही सुंदर आता है, इम्पेशेंस जो होता है ये वो वाला है जो कटिंग से भी इजीली लग जाते हैं। ये अभी मैंने कुछ समय पहले ही बाय किया है, 1 सप्ताह पहले। और ये मेरा एग्लोनीमा है, नहीं ये सिंगोनियम है मेरा, ये बड़े जो लिप्स होती है वो वाला है, लंबी लिप्स वाला। ये देखो कितनी सुंदर पत्तियाँ हैं इसमें, कलर इसका कितना प्यारा है, इसमें एक भी अभी पत्ती ऐसे डेड नहीं हुई, जल्दी से इसमें सूखती भी नहीं है। अगर आप इसे लगाना चाहो तो लगा सकते, कटिंग से बढ़िया ईजिली लग जाता है, कितना प्यारा है। अगर इसे बरसात में लगाते हैं तो बड़ा तेज़ी से बढ़ता है, या फिर मार्च अप्रैल में लगाए तो ये तब अच्छे से इजीली चल जाता है। 1-2 महीना अगर कटिंग लगाते हैं तो बस ये जो होता है, ये जब ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है जैसे जनवरी की और दिसंबर में, तभी कटिंग नहीं चलते, बाकी समय में चल जाती है। और ये मेरा जरबेरा है देखो, ये भी मैं लाई थी, बाय किए थे मैंने नर्सरी से। ये देखो कितने दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए ये फूल, ये अभी तो थोड़ा सा हल्के कलर चेंज हो गए, नहीं तो इनके कलर भी बड़े प्यारे थे। और अभी नए भी आ रहे हैं, इसमें 3 थे, एक तो ये स्पेंड हो गया, इसको हटाऊंगी
अगर ये स्मरण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसको हमें निकाल देना जरूरी रहता है, नहीं तो ये जो है हमारी पेड़ को एनर्जी लेते हैं। ये हटा दिया हमने, जितने भी पुराने फूल होते हैं जो स्पेंड हो जाते हैं उसको निकाल दे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि नए फ्लावर को हमारे ताकत मिले। और एक जरबेरा ये है, ये भी इतना बढ़िया फूल सुंदर था, अब इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो गया, ये पूरा ऐसे खिला हुआ था, अब ये थोड़ा सा यहाँ से मुड़ गया है, क्योंकि ये भी 8-10 दिन पहले ही लिया था। एक फूल भी कई दिन चल जाता, अभी एक फूल इस पर पीछे से आ रहा है, ये देखो दूसरा, तब तक ये खिलता रहेगा, जब तक ये बनेगा बड़ा हो तब तक ये खिलता रहेगा। और ये मेरा डहेलिया है, अभी इसे बाद में अभी रिपोर्ट करूँगी ना इसको, तब रखूँगी, अभी इसको मैंने छाया में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट नहीं करा, इसलिए वैसे तो आधा घंटा यहाँ पे धूप आती है मैं रख सकती हूँ, मगर फिर भी मैं इसे यहाँ नहीं रखूँगी। और ये देखो आगे बढ़ते हैं, ये डक है मेरी, ये डक में जो है ये बिल्कुल वाइट आई थी, पहले मैंने शो किया था आपको, तो ये दूसरी वीडियो में एकदम वाइट थी, इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ पे, जो हमारे ये नेल पॉइंट बच जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं, तो वो मैंने उसको फेंका नहीं, मैंने इसकी ये जो चोंच होती है बीक, इसमें यूज कर लिया उसका। और ये कुछ ब्राउन कलर है, इसकी आँखें बना दी, नहीं तो मैं हर साल क्या होता था, मैं फेंक देती थी पहले, लेकिन अब मैं सभी चीज़ों को यूज कर लेती, किसी ना किसी चीज़ में मेरा यूज हो ही जाता है। और इसमें भी मैंने येलो कलर से लगा रखा है, इतना प्यारा लग रहा है, देखो जोड़ा बैठा हुआ, ये देख ये एल्युमिनियम लगा रखा है, और इसमें इसके पीछे बीच में ये मैंने कार्नेशन लगा रखा, ये भी परमानेंट होता है वैसे ये प्लांट, अगर ये बरसात में बच जाता है तो ये कलर देखो कितना सुंदर है, तो हम इसे अगर बरसात में बचा लें तो ये बच जाता है, फिर चलता रहता है। और इसको ये देखो कलर बहुत प्यारा है इसका, कितना सुंदर है। और ये हमारा पिटोनिया है, एक पिटोनिया इधर है, कलर इधर, बस ये क्या है मैंने बंदरों की वजह से भी ये रखा हुआ है, और वैसे यहाँ आधा घंटा धूप आ जाती है, तो ये एक पिटोनिया ये वाला कलर है, एक मेरा ये पिंक कलर है, और 3-4 कलर है मेरे पास। और ये भी देखो कितना सुंदर, इसको ये देखो गमला, इसका कितना सुंदर लग रहा है प्लांट लगा हुआ है इसमें, इस गमले में कितना प्यारा इसमें डेकोरेशन हुई है। और देखिए ये मेरी हाफ सीढ़ियाँ पूरी हो गई है, मेरा ये पार्ट 1 सीढ़ियों का कंप्लीट हो गया है, और दूसरा पार्ट में दूसरी वीडियो में दूंगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक से पता चल जाएगा, आप लाइक करोगे, अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं लाइक करोगे। और आपको लास्ट तक बने रहने के लिए मेरी वीडियो में बहुत बहुत थैंक यू। अगर प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार और अगेन रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको जैसी भी लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर भी कीजिए। और एक बार फिर से थैंक यू।